अभियुक्तों को गिरफ्तार कर 4 आईडी जिनसे बरामद की गई हैं, ये सभी टाइमर अथवा रिमोट कंट्रोल से ट्रिगर की जा सकती है। ये जानकारी प्राप्त हुई है कि जिन लोगों ने इस बम को बनाया है, जो गिरफ्तारी हुई है, उन लोगों ने मुजफ्फरनगर दंगों के समय भी इस प्रकार के बम बनाकर के बांटे।